देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 94वीं जयंती के अवसर पर ओपन माइक वम सम्मान समारोह का आयोजन गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब सभागार में किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मेयर डॉक्टर सत्या पांडे, शिक्षाविद और शायर टी एन श्रीवास्तव उर्फ वफा गोरखपुरी, डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव, आशीष श्रीवास्तव, इंजीनियर मिनातुल्ला सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर टी एन श्रीवास्तव को अटल साहित्य सम्मान और डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव को अटल कला एवं संस्कृति प्रोत्साहन सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके अलावा समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले धर्मशाला पुलिस चौकी के प्रभारी प्रमोद सिंह, अशोक गुप्ता सहित अन्य लोगों को भी सम्मानित किया गया। गोरखपुर न्यूज कार्यक्रम के आयोजक मोहम्मद इमिनातुल्ला ने बताया। राशिद भाई कहाँ ले जाएंगे? इंजीनियर मोहम्मद मिन्नतुल्ला लोग मिन्नत के नाम से जानते हैं और समाज सेवा ही हमारा पर्व धर्म है, उसके लिए पूरी कोशिश करते रहते हैं और निरंतर लगे। इससे पहले तो जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत से सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है। इस अवसर पर हम लोग ओपन माइक और सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया। ओपन माइक एक ऐसा कार्यक्रम होता है जिससे युवा कवि और शायर कविता और शायरी के माध्यम से अपनी कला को समाज के सामने लाते हैं और अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के अवसर पर युवा कवि अगर ऐसा करते हैं ये उनका सम्मान जो है वो एक विशेष प्रकार का सम्मान होगा। वजह यह है कि ये श्रद्धांजलि है सर। और जहाँ तक बात की अपने सम्मान की, सम्मान दो व्यक्तियों को दिया गया। पहला आप जानते हैं कि टी एन श्रीवास्तव वफा गोरखपुर, उसकी वजह यह थी कि साहित्य में उनका योगदान अनुकरणीय है। गोरखपुर के लिए 20 से ज़्यादा साहित्य का जो है किताबें आप लिख चुके हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर रजनीकांत नवाब को कला एवं प्रोत्साहन के लिए सम्मानित किया जा रहा है, अटल जी के नाम पर दिया जा रहा है ताकि वो जब भी अपने घर में देखें उस फ्रेम को देखें तो उनको ये लगे कि यह अटल जी के नाम पर सम्मानित किया गया है ताकि आने वाले दिनों में उनको प्रेरणा स्रोत बना सके।